हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं अपाची को लेके आ चुके हैं टीवीएस के शोरूम में फर्स्ट सर्विस के लिए। तो फर्स्ट सर्विस रिसेप्शन में सारा बात हो चुका है। इन्होंने टाइम लिया 6 बजे तक कि 6 बजे तक वेट करना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है कोई 2-4 घंटा तक वेट करना पड़ेगा। तब तक बोर हो रहे थे तो नीचे आ चुके हैं गोडाउन में। देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा टीवीएस का बाइक रखा हुआ और सारा ही मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे अपाची दिख रहा होगा आपको, सबसे ज्यादा अपाची ही है, यानी कि अपाची की सेलिंग काफी ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भैया लोग आए हुए हैं बाइक को ले जाने के लिए कुछ अगले शोरूम, यानी कि दूसरे शोरूम में भी सप्लाई होता है। ये काफी बड़ा डीलर होने वाला है। एक्चुअली ये झारखंड में है तो झारखंड में रोड टैक्स भी कम रहता है, तो बिहार में जितना भी बाइक सप्लाई होता है सारा झारखंड से ही होता है, और झारखंड में क्योंकि प्राइस थोड़ा कम होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा 4B भी है, टीवीएस का 4B, स्कूटी सब कुछ आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। ये सारा यहाँ पे शोरूम में ही है इसका, और सर्विस सेंटर भी अलग से है, यानी काफी बड़ा डीलर है। तो देख सकते हैं सर्विस से पहले यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बाइक को सफाई किया जाता है, यानी कि अच्छे से उसको पानी से धोया जा रहा है। देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हर तरीके से किया जाता है। क्लीन करने के बाद इसको सर्विस के लिए अंदर के तरफ ले जाया जाता है। तो भैया को बोले भैया थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। देख सकते हैं पहले से यहाँ पे काफी सारा बाइक का सर्विसिंग चल रहा है, और सबसे पहले देख सकते हैं ऑयल लगाया जाता है पूरे बाइक में प्रेशर के थ्रू, और देख सकते हैं फाइनली हमारा बाइक भी लेके आ रहा है। और देख सकते हैं स्टैंड में बाइक को खड़ा कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सर्विसिंग में क्या किया जाता है, पूरा चेक किया जाता है, यानी कि जितने भी नट बोल्ट है सारा को अच्छे से टाइट किया जाता है, कोई लूज तो नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे जो व्हील का है उसको भी देख सकते हैं टाइट कर रहा है, यानी पूरा है, मतलब नट सारा चेक किया जाता है, कौन कोई ढील तो नहीं है ना, ये सब चीजें चेक किया जाता है। और आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आगे आगे और क्या प्रोसेस किया जाता है, वो सारा आपको डिटेल में आपको दिखाने वाले हैं। अगल बगल में और भी सारा बाइक का सर्विसिंग हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक तो राइडर दूसरी साइड रेड कलर का देख सकते हैं वो लगा हुआ है। बाकी बाइक का लुक देख सकते हैं काफी अच्छा देखने में लग रहा है, इसीलिए तो टीवीएस का बाइक सबसे ज्यादा सेलिंग होता है। तो भैया को बोले कि जब क्या होता है बम्पर में जब भी चलता है तो पीछे वाला जो होता है आवाज करता है। तो उन्होंने बोला ठीक है शॉकर हो सकता है थोड़ा नीचे होगा तो शॉकर को थोड़ा ऊपर कर देंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकिंग भी चेक किया जाता है, ब्रेकिंग चेकिंग हो गया तो और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम जो होगा भैया को बता देंगे, जैसे कि मिरर जो है मिरर में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि जब भी उसको भी ब्रेकर वगैरह में जाते थे तो वो नीचे आ जाता था। वो बोले तो बोले ठीक है उसको भी टाइट कर देंगे। देख सकते हैं टाइट कर रहे हैं मिरर को भी, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हाईवे में और अचानक से आपका मिरर नीचे चला गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है विजिबिलिटी के लिए, पीछे के आप देख नहीं पाएंगे और आपका पास उतना समय नहीं होगा कि आप हाथ छोड़ के फिर से मिरर को सही करेंगे। अगर कर भी दिए तब भी एयर के मदद से फिर से दोबारा वैसे ही हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम हो रहा था, तो देख सकते हैं इसको अच्छे से टाइट कर दिया जा रहा है। बाकी देख सकते हैं साइड में और भी बाइक है, राइडर है, उससे बगल में एक अपाची देख सकते हैं ब्लू कलर का, उसका हालत पूरा ही खस्ता है, यानी कि पूरा तरह से उसको खोल दिया गया, लग नहीं रहा है कि आज पूरा वो सही हो पाएगा, यानी कि उनका टाइम लिया होगा। देख सकते हैं यहाँ पे मोबिल को नीचे किया गया, मोबिल का क्वालिटी काफी अच्छा है, लेकिन फर्स्ट सर्विस में जब मोबिल चेंज किया जाता है तो ये तो चेंज कर ही देंगे, तो उसका कॉस्ट तो लगेगा, नहीं तो ऐसा अच्छा था काम में आ जाएगा। जैसे पुराना बाइक है तो उसमें ये मोबिल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कितना ही दिन हुआ, वन मंथ ही हुआ है, तो 1 month में कितना ही मोबिल खराब हो जाएगा। तो देख सकते हैं मोबिल का निकालने का प्रोसेस क्या है, वहाँ पे एक नट रहता है उसको खोल दिया जाता है और सारा मोबिल देख सकते हैं नीचे गिर गया, जो उस गंदा काफी सारा हो गया लेकिन उसको साफ कर दिया जाएगा, पोंछ दिया जाएगा अच्छे से, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देख सकते हैं काफी सारा टाइम, यानी कि 2 घंटा तक वेट करते करते तब जाके बाइक यहाँ पे आया, यानी कि काफी ज्यादा लाइन रहता है और शाम का टाइम हो गया इसलिए देख रहे हैं खाली नहीं, तो जब आए थे तब देखे थे कि पूरा पूरी भरा हुआ था। देख सकते हैं मोबिल को उसका अंदर डाला जा रहा है। इसका प्राइस की अगर मोबिल की बोले तो 700 कुछ रुपया प्राइस लिया था मोबिल का। बाकी इसमें फिल्टर चेंज किया गया और मोबिल, बस इतना ही चेंज किया गया और फर्स्ट सर्विस में कुछ किया नहीं गया। और नंबर प्लेट भी आ चुका था तो सोचे नंबर प्लेट भी लगवा लेते हैं, तो देख सकते हैं नंबर प्लेट को लगाया जा रहा है। सामने वाला जो होता है बस कस दिया गया था और पीछे में ये मशीन से ही लगता है, ये देख सकते हैं मशीन से लगाया जा रहा। आगे की तरफ में ये सब झमेला नहीं था, डायरेक्ट नट और बोल्ट रहता है वो टाइट कर दिया हो गया, लेकिन पीछे की तरफ ऐसे ही प्रोसेस लगता है इसमें। तो बोले क्यों ना लगवा ही लेते हैं, क्योंकि अगर बाहर में भी लगवाएंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, इन्होंने भी 50 रुपीज चार्ज किया था लगाने का, तो इसको भी झमेला हटा ही देते हैं, इसको भी लगवा ही लेते हैं। बाकी देख सकते हैं हमारा बाइक पूरा ओके हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सर्विसिंग पूरा हो चुका है। अभी शाम का टाइम भी ज्यादा हो गया, यानी कि 4-4:30 तो बज गया, अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और देख सकते हैं रात का समय, ये मार्केट जो देख सकते हैं ये देवघर मार्केट है, अभी लगभग 6 बज चुका है, यानी कि 5:30 बजे लगभग हमको उन्होंने बाइक दे दिया था और अभी 6 बज गया। देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका है, क्योंकि मेन मार्केट है ये देवघर मार्केट होने वाला है। ये देख सकते हैं टोटो काफी ज्यादा, बिहार में भी टोटो हर जगह देखने को मिला, देख सकते हैं आगे पीछे खाली टोटो ही टोटो मिलेगा, ऑटो की संख्या काफी
ज़्यादा कम हो चुका है, सिर्फ टोटो अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है और ठंडा का मौसम आ गया, तो ठंड भी लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।